पाउडर डिटर्जेंट के का, और इसी तरह से आप और अपने घर में थोड़ा परिवर्तन लाना, विदेशी जो क्रीम पाउडर लिपस्टिक है, नेल पॉलिश है, कॉस्मेटिक्स है, ये सब निकालो बाहर, फेयर एंड लवली, क्लियर सिल, क्लियर टोन, इरेस्मिक, इमामी, पॉन्ड्स, ये सब हटाओ, सब विदेशी, बहुत महंगी है, लूट हो रही है इसमें। फेयर एंड लवली का भाव मालूम है, 25 ग्राम है 40 रुपए, 50 ग्राम 80 रुपए, 100 ग्राम 160 रुपए, 1 किलो 1600 रुपए। अब 1600 रुपए किलो की क्रीम लगाओ मुंह पे, उससे अच्छा 4 किलो बादाम खरीद के खाओ। अकल लगाओ ना अपनी। अब 1600 रुपए किलो की क्रीम लगाओ जिससे कुछ नहीं होने वाला, उससे अच्छा 4 किलो बादाम खरीद के खाओ, क्योंकि ये फेयर एंड लवली लगा के कोई गोरा नहीं हुआ आज तक। अगर हो जाता तो अफ्रीका वाले क्यों काले हैं। मैंने लगा के देखा था एक भैंस को 4 साल फेयर एंड लवली, अभी भी काली की काली ही है। दुनिया में कोई आदमी फेयर एंड लवली लगा के गोरा हुआ नहीं, और होने की दूर दूर तक संभावना नहीं, क्योंकि जो आदमी काला और गोरा होता है ना, उसका सिद्धांत ही अलग है। हमारे खून में एक केमिकल होता है, उसका नाम है मेलानिन। जब मेलानिन की मात्रा बढ़ जाती है तो शरीर काला पड़ जाता है, जब मेलानिन की मात्रा कम हो जाती है शरीर गोरा हो जाता है, और जब मेलानिन की मात्रा ना बढ़ती है ना घटती है, सामान्य रहती है, तो शरीर सांवला होता है। हम सब हिंदुस्तानी सांवले हैं, क्योंकि मेलानिन ना ज्यादा है ना कम है, और आदर्श स्थिति यही होती है। और ज्यादा गोरा होने के चक्कर में मत फंसो। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। हमारे देश के एक राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राधाकृष्णन, सुना? जब वो राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार लंदन गए तो अंग्रेज पत्रकारों ने उनको चिढ़ाने के लिए एक सवाल पूछ लिया। सवाल क्या पूछा? डॉक्टर राधाकृष्णन से पूछा गया लंदन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप हिंदुस्तानी लोग काले क्यों होते हैं। राधाकृष्णन जी ने इतना सुंदर जवाब दिया, वो आप सबको देना। उन्होंने कहा हम हिंदुस्तानी काले नहीं होते, कुछ और होते हैं। तो उसने कहा क्या होते हैं? तो उन्होंने एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा भगवान ने रोटी बनाई, भगवान जी ने रोटी बनाई तो रोटी कच्ची रह गई, वो खाके तुम सब अंग्रेज पैदा हो गए। भगवान जी ने फिर एक रोटी बनाई और वो जल गई, उसको खाके ये सब अफ्रीकी पैदा हो गए। और फिर भगवान जी ने एक तीसरी रोटी बनाई जो ना कच्ची रही ना जली, बराबर सिकी, उसको खाकर हम हिंदुस्तानी पैदा हुए। तो हम काले नहीं है, सांवले हैं। और मैं आपको बताऊं, विज्ञान ने यह स्वीकार कर लिया है आज कि सांवले रंग की त्वचा को कैंसर होने की संभावना सबसे कम होती है। कारण क्या है? खून में मेलानिन की मात्रा सबसे परफेक्ट हमारी ही है, इसलिए अपने सांवले होने पे गर्व करो, इसको हीन भावना से मत देखो। और बार बार ध्यान करो कि शंकर जी सांवले, भगवान राम सांवले, श्री कृष्ण सांवले, तो हम गोरे होके करेंगे क्या? हम तो सांवले ही अच्छे हैं। और जब यह बात मन में बैठ जाए कि सांवले अच्छे हैं, तो फेयर एंड लवली की जरूरत क्या फिर, क्योंकि वो तो गोरा बनाने वाली क्रीम है। हटाओ उसको, 1600 रुपए किलो की फालतू में। तो ये फेयर एंड लवली, क्लियर सिल, क्लियर टोन, इरेस्मिक, इमामी, पॉन्ड्स, ये सब हटाओ घर में से। फिर आप बोलोगे जी कौन सी क्रीम लाए, कोई मत लाओ, आप जैसे हो बहुत अच्छे हो। लगाना ही है तो देसी गाय का घी चुपड़ लिया करो, सबसे अच्छा। हाँ, उससे अच्छी कोई चीज नहीं। और नहीं तो जैसे हैं वैसे अच्छे हैं। आप इस बात का ध्यान रखो कि दुनिया में किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की परीक्षा उसके शरीर के रंग से नहीं होती, उसके काम से होती है, उसके गुण से होती है, उसके स्वभाव से होती है। हर व्यक्ति का व्यक्तित्व नापा जाता है गुण कर्म स्वभाव से, वो इस बात से नहीं नापा जाता हाय कितना गोरा है, कोई नहीं कहता। अब कोई मर जाता है हमारे देश में तो उसके बारे में आपस में चर्चा करते हैं तो कहते कितना दयालु था, कितना देशभक्त था, कितना काम करता था समाज का। कभी ये सुना कोई कहता ओ क्या गोरा चिट्टा था, मर गया बेचारा।
कोई नहीं कहता। त्वचा का रंग याद नहीं करते, गुण कर्म स्वभाव याद किए जाते हैं। तो गुण कर्म स्वभाव अपने अच्छे बनाओ, ये फेयर एंड लवली वगैरह की जरूरत नहीं। और माताओं बहनों को जरूर समझाओ ये बात, उनके दिमाग में ये बात लाओ। मुझे इतना दुख है ये बात कहते हुए कि जब ये विज्ञापन आता है ना फेयर एंड लवली गोरेपन की क्रीम, एक दिन समय आने पर भारत स्वाभिमान की तरफ से इस विज्ञापन के खिलाफ मुकदमा करना है सुप्रीम कोर्ट में। क्या मुकदमा करना है, जब बार बार वो टीवी पे दिखाते हैं ना फेयर एंड लवली गोरेपन की क्रीम, एक हफ्ते में गोरापन आएगा, 15 दिन में आएगा, 21 दिन में आएगा, आप ट्यूबलाइट की तरह से जलने लगेंगे, इतने गोरे हो जाएंगे, जब ये विज्ञापन बार बार आता है ना तो करोड़ों इस देश की काली मां बहन बेटियों के छाती पर आरी चलती है। ये आप महसूस करने की कोशिश करो। हमारा हिंदुस्तान तो आप जानते हैं 115 करोड़ का है, 50 करोड़ माताएं बहनें हैं इस देश में, और उस 50 करोड़ माताओं बहनों में लगभग 40 से 45 करोड़ सांवली हैं या काली हैं। उनके दिलों पे कटार चलती है, आरी चलती है जब वो ये विज्ञापन देखती हैं कि हाय रे हाय गोरेपन की क्रीम फेयर एंड लवली। और उन माताओं बहनों को क्या लगता है कि गोरे होने से ही फिर जिंदगी संवरती है। और मुझे इससे भी ज्यादा तकलीफ है, मैंने पेपर न्यूज़पेपर की कटिंग काट के रखी है, कई बहन बेटियों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई कालेपन के कारण, सांवलेपन के कारण, तो फांसी लगा के मर गए। हमारे हिंदुस्तान में मां बहन बेटियों के व्यक्तित्व को रंग से नहीं नापा गया कभी भी, हमने उनके गुण कर्म स्वभाव से नापा है। लेकिन ये विज्ञापन जो आता है रोज फेयर एंड लवली गोरेपन का, ये करोड़ों माताओं की छाती पे आरी चलाता है, उनके दिल को चोट पहुंचाता है। उनकी तरफ से हमें मुकदमा करना है एक बार, और इस कंपनी को कटघरे में खड़ा करना है कि तुम सिद्ध करो तुम्हारी क्रीम में ऐसा क्या है जो किसी को गोरा बना सकता है, कुछ नहीं। इसलिए दिमाग से निकाल दो ये सारी बकवास बात। कुछ चीजें और बिक रही हैं इस देश में, जैसे फेयर एंड लवली, बहुत लोग लगाते हैं कि गोरेपन की क्रीम है। मैंने 4 साल एक भैंस को लगा के देख लिया, वो आज तक चल रहा है। दुनिया में कोई काला गोरा नहीं हो सकता, जो काला है वो काला है, जो गोरा है वो गोरा, रंग नहीं बदलता कभी। हमने इस फेयर एंड लवली के खिलाफ मुकदमा किया मद्रास हाईकोर्ट में, उसमें हम जीते, कंपनी हारी। वो कैसे मुकदमा था, मेरा एक दोस्त है वो मेरे साथ पढ़ता था इंजीनियरिंग में, तमिलनाडु का है, वो बहुत काला है, इतना काला है आपके घर में तवा है ना उसको उल्टा कर दो इतना काला है। और वो मेरे साथ हॉस्टल में रहता था, हम दोनों रूम साथ में रहते, मैं उसको रोज देखता था, वो फेयर एंड लवली लगाता, 12 साल उसने फेयर एंड लवली लगाया। और वो बोलता है कि हॉस्टल में आने से 8 साल पहले से लगा रहा फेयर एंड लवली, तो 20 साल लगाया अभी भी चिक्कट काला। तो मैंने एक दिन कहा भाई कभी तो तू सुधरेगा, तो एक दिन उसको समझ में आ गया, उसने कहा अब बस अब बन फेयर एंड लवली। तो मैंने कहा तेरे पास इसका फेयर एंड लवली खरीदने का जो बिल है वाउचर है वो मुझे दे दे, तो उसने दे दिए। तो उसके आधार पर हमने केस कर दिया मद्रास हाईकोर्ट में, वो मद्रास में रहता है तो केस वहीं करना पड़ा। अब जजमेंट देने वाला जो जज है वो एक दिन बोला कि मेरे घर में भी यही समस्या है, वो जज कहता है मेरे घर में भी यही समस्या है। तो उसने बहुत सुंदर जजमेंट दिया, पेप्सी ये फेयर एंड लवली कंपनी के अधिकारियों को जाना पड़ा मद्रास हाईकोर्ट में। जज ने उनसे पूछा कि आपने इसमें क्या मिलाया है जो किसी व्यक्ति को काला है तो गोरा बना दे, तो उनका साहब इसमें कुछ नहीं मिला है। तो अच्छा ये बताओ ये बनती कैसे, तो उनका सुअर की चर्बी के तेल से हम इसे बनाते हैं। अब भारत की करोड़ों माताएं बहनें ये सुअर की चर्बी का तेल चेहरे पे पोतती है और सोचती है बहुत सुंदर होगा। सुंदरता फेयर एंड लवली में नहीं है, क्रीम पाउडर लिपस्टिक में नहीं है, सुंदरता गुण कर्म और स्वभाव में है। आपका गुण अच्छा है, कर्म अच्छा है, स्वभाव अच्छा है, आप मत लगाइए फेयर एंड लवली। फिर आप बोलेंगे कौन सी क्रीम लगा, कोई मत लगाइए, जैसे आप हैं बहुत अच्छे, त्वचा हमारी जैसी है बहुत ही अच्छी, इसमें क्रीम पाउडर लगा के इसको खराब मत करिए। क्योंकि सभी वैज्ञानिक जो त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं वो ये कहते हैं कि त्वचा को जितना ज्यादा केमिकल्स लगाएंगे उतनी खराब हो जाएगी, तो कुछ मत लगाइए। और ये कितनी महंगी है फेयर एंड लवली, 25 ग्राम 40 रुपए में है, 50 ग्राम 80 रुपए में है, 100 ग्राम 160 रुपए की है, 1 किलो 1600 रुपए की है।
अब 200 रुपए किलो का काजू है, 300 रुपए किलो बादाम है, 1600 रुपए किलो ये सुअर की चर्बी का तेल। अगर आप थोड़े भी होशियार हैं तो 200 रुपए किलो बादाम खाइए, काजू खाइए, ये 1600 रुपए किलो की क्यों क्रीम लगाते हैं, बंद करिए इसको, कुछ जरूरत नहीं।